फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। सो यह वैल्यूज दती हुई ए और बी दियाँ, तो प्रॉपर्टी सानू उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो यूज़ करने लिए, यदा मतलब की है कि जिदा सब तो पहला आप ए नू बी ना मल्टीप्लाई करांगे इक्वल का साइन दे के फिर बी नू ए ना मल्टीप्लाई करांगे। सो सॉल्व करके तो ज़्यादा पता लगेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अभी, सब तो फस्ट जिहड़ा पहला पार्ट हैगा तुहाडा फोर्थ का फस्ट पार्ट हैगा, इहदे विच ए दी जिहड़ी वैल्यू हैगी माइनस फोर दित्ती हुई तुहानू है ना, तो जिहड़ी बी दी वैल्यू आ वह कितनी दित्ती हुई आ थ्री, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी उह किद्दां यूज़ करते हैं आपां बच्चे, देखो पहला ए मल्टीप्लाई बी हुंदा, दूसरे पासे बी मल्टीप्लाई ए, कहन दा मतलब की आ कि ए दी वैल्यू हैगी माइनस फोर और बी दी वैल्यू थ्री, इन्हां नूं फिल कर लैणा, इदां ही आ बी दी वैल्यू थ्री आ और ए दी वैल्यू हैगी माइनस फोर, कि पहला ए लिख लिया फिर बी लिख लिया फिर ए, उल्ट कर दिता, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिता, इहनूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दिंदे आ। सो फोर नूं थ्री नाल मल्टीप्लाई करांगे ट्वेल्व नाल माइनस लगा आ माइनस आ जाएगा, थ्री नूं फोर नाल मल्टीप्लाई करांगे ट्वेल्व नाल माइनस लगा माइनस आ जाएगा। सो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये तुहाडा आंसर आ गया, इहनूं वेरीफाई कर दिता आपां। इस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़े आ बाकी सम आ ना ये भी इस तरीके दे नाल ही करने हैं। इहदे नाल दा ही तुहाडा फिफ्थ पार्ट हैगा बच्चे, इहदे विच एसोशिएटिव प्रॉपर्टी क्या होया यूज़ करन वास्ते, इहदे विच थ्री वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ए बी और सी, फोर्थ दे विच टू सीगियां ना ए ते बी, इहदे विच थ्री एक सी भी वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू आ गई इहदी। सो इहदे विच तुसीं इहनूं किद्दां यूज़ करना सानूं दस्सिया भी होया उन्होंने किद्दां यूज़ करना आ। सब तो पहलां असीं ए दी वैल्यू लिखदे हां, ए दी वैल्यू सानूं दित्ती हुई है माइनस टू, तो बी दी वैल्यू दित्ती हुई है फोर और सी दी वैल्यू दित्ती हुई माइनस सिक्स, ठीक है। बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी, ऑर्डर नहीं चेंज किया, जस्ट ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया, पहला दो डिजिट के उपर ब्रैकेट ला लिया पहले दो, फिर लास्ट टू डिजिट के उपर ब्रैकेट ला लिया, होर कुछ नहीं करना ये, ठीक है। कहने का मतलब कि जो आप वैल्यू फिल करा ना, जिदा ए की वैल्यू माइनस टू फिल की है ना, बी की वैल्यू फोर फिल की, सी की वैल्यू तुम सिक्स सॉरी माइनस सिक्स फिल की, क्योंकि नाल माइनस लगा ना माइनस भी नाल लैके आना, ए की वैल्यू फिर माइनस टू फिल की मल्टीप्लाई बी की वैल्यू फोर, तो सी की वैल्यू फिर माइनस सिक्स, ए वैल्यूज़ फिल कर लिया आप, ठीक है। हूँ पहला कैन ब्रैकेट का मतलब हों कि पहला ब्रैकेट को सॉल्व करना, सो पहला इन्हू टू नू फोर ना मल्टीप्लाई किया एट आ गया नाल माइनस लगा हुआ, ए वाला माइनस सिक्स आप बाद मल्टीप्लाई करा अगले स्टैप, इको बार नहीं सारा मल्टीप्लाई करना, पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ए माइनस टू ब्रैकेट तो बाहर इदा ही लिख दो, इस तो बाद ब्रैकेट आ गई है, इनू पहला सॉल्व करते हैं, फोर नू सिक्स ना मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फोर नाल माइनस लगा इतने माइनस आ जाएगा, सो एट नू सिक्स ना मल्टीप्लाई करा फोर्टी एट, माइनस ना माइनस जो कैंसल हो जाता है वह आप नहीं लगाना गा, ठीक है। ये साढ़े को फोर्टी एट आ गया नाल माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा वो नाल नहीं लगना, इस तरीके ट्वेंटी फोर नू टू ना मल्टीप्लाई किया तो फोर्टी एट आ गया। सो यह साडा प्रूव हो चुका है, ये वेरीफाई हो गया, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इस तो अगर सामने नहीं करने, बाकी के जो पार्ट्स है ना वो भी इन्हों के नाल भी इस तरीके सॉल्व करने।